आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो, दोहरा मत मोटी बड़ दुष्ट की, चल आयो गुर पास। हृदय रोस खदयोत जिम, समता चह सपतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज दी साजी नवाजी साध संगत जी, सतगुरां दी पावन हजूरी च संध्या दे दीवान सजे हन। आप जी ने सोधा रह राज साहब जी दे पाठ और भाई साहब रियाम सिंह जी दे जथे पासों आरती आरती दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। सतगुरु जी दी पावन कथा छेवें पातशाह महाराज दी जो चल रही है। सतगुरु पहला जंग करके चबाड़ तो अपनी बेटी बीबी बीरो दा व्याह करके श्री गोइंदवाल साहब वालों होके करतारपुर आ विराजे सन और काफ़ी समा श्री करतारपुर साहब की धरती नूं भाग लाए। इथों महाराज चल के रोहेला पिंड दरिया ब्यासा के किनारे चुमासा कट्टण वास्ते जा ठहरे हैं। ये साध संगत जी दरिया ब्यासा का किनारा जिथे बहुत ज़्यादा शिकार खेडण वास्ते वड्डी शिकारगाह सी, रोहेला पिंड उत्थे वसिया होया सी। ते अजकल इसे जगह नूं श्री हरगोबिंदपुरा कहिंदे। ये गुरु साहब के नाम से गुरु साहब जी बाबा बुढ़ा जी का हुक्म होया भी ये नगर तुहाडे नां ते गुरु साहब जी बसाणा है। तो बाबा जी ने पिंड का नाम रोहेले तो श्री हरगोबिंदपुर साहब ये रख दिता सी। सो साध संगत जी इत्थे महाराज जा पहुँचे। इतों का एक माल गुजार सीगा भगवान दास केरड़। ये भगवान दास केरड़ चंदू का कुड़म लगता सी ते बड़ा हंकारी मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रौल कचोला। माया दे नशे च चूर होया, ना कदी बाणी सुनी, ना कथा सुनी, ना कीर्तन सुनिया, सुपने च भी सतसंगत कीती नहीं। सारा जीवन विषय विकारी लोगों नाल बिताया सी, मायाधारी सी। बड़े हंकार विच आ के गुरु साहब जी नूं कहण लगा, तुसी किवें इत्थे आ गए, ये जगह साडी है, तुसी इत्थे किवें बह गए। महाराज की जवाब दिंदे ने, इन्हां दी वार्तालाप किवें होई है। महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह साहब जी लिख रहे ने, सुरती बिरती नूं दरिया ब्यासा दे किनारे ते रियाड़की दे इलाके विच श्री हरगोबिंदपुर साहब लै चलीए। छेवें पातशाह दे दरबार विच भगवान दास केरड़ किस तरह बोलिया ते उहनूं उहदी करनी दा फल किवें मिलिया, अज आपां सरवण करिए। प्रेम नाल सारी संगत आखिए, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा मत मोटी बड़ दुष्ट की। इस दुष्ट भगवान दास केरड़ दी मोटी मत सी, खोटी बुद्धि सी। चल आयो गुर पास, हंकार दे नाल मस्तिया होया भगवान दास केरड़ सतगुरु जी दे कोल आ गया। हृदय रोस खदयोत जिम, जिवें साध संगत जी खदयोत जुगनू नूं टटहणे नूं कहिंदे आ, जिहड़ा रात नूं माड़ा माड़ा ਉਹ ਚਮਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਚਾਹੇ ਸਪਤਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੁਗਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਗਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਗੜ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਨ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਕੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
मत्था नहीं टेकिया सतगुरु जी नमस्कार भी नहीं की सम गवार बोलियो मुखबानी ते जिमें गवार अनपढ़ बंदे बोलते मूर्ख बंदे अनपढ़ बंदे जिहड़े पशु चारण वाले गवार होंदे ना वह भी अजे बेचारे अकल नाल बोल लेंदे मायाधारी नूं ओनी भी अकल नहीं हुंदी साध संगत जी ओ इन्हां गवारां दी तरह बोलिया है कहो भाई अर्जन के नंद ते महाराज नूं कहिंदा कहो भाई अर्जन के नंद हे अर्जन दे पुत्र गुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी का भी अद्धा नाम लिया ते गुरु साहब नूं भी ओ भाई करके बुलाया ये नहीं भी गुरु साहब जी बाबा जी संत जी महाराज जी कुछ तो कहिंदा ना हाँ भाई अर्जन दे पुत्र सुना इं बड़ा बेअदबी नाल सच्चे पातशाह नूं पेश आया बोलिया बड़ा रुखा हाँ जी क्या कीनस उत्पात बिलंद कहन लगा ये की उत्पात फड़िया ये तू की कर रहा ये साढ़े पिंड च आ के तू केड़ा छेड़ा छेड़ लिया है इस भूमि को मालिक को भी इस जमीन का कोई मालिक है पता तेनू कौन है जिहड़ी जमीन ते आ के कब्जा कर लिया है इत्थे आ के छाउणी पाती है घोड़े बन दिते है ते ये जिहड़ी जगह है ये पता तेनू कहदी है हाँ जी है के नहीं जन है कहो सोई इस जमीन का कोई मालिक है कि कोई नहीं कोई वाली वारस है कि कोई नहीं तू आए बिना पुछया ही इत्थे आ के घोड़े बनते तंबू लाते निशान गढ़ते लंगर पकन लग पे ते ए तुसी इत्थे डेरा ला लिया आ के ये किसी की जमीन है यदा कोई वाली वारस है यदा कोई मालिक है उन्हें पूछना चाहिए फिर बैठी दा हुंदा हाँ जी किसको तैं बूझन कर लीन तू के दे कोलों पुछे तैं करके तू करके बोलदा गुरु साहब नूं कहिंदा तू के दे कोलों पुछ के बैठा साडी जमीन ते हाँ जी खर्चो कहां मोल किस दीन तू इहदे पैसे खर्चे ने तू इहदा मुल तारिया जिहड़ी जमीन ते तू आ के बह गया इस मुल जमीन का मुल कोई तार दे कोई रजिस्ट्री करवा तू अपने नाँ ते कोई पटा करा फिर जमीन का मालिक बन दे बैठे तो फिर तो असं कही ना कुछ पर तू ना किसी पुछया ना गिछया आ के इतने झंडे गड़ दते है ये जमीन का कोई वाली वारस है कि नहीं कोई हाँ जी श्री मुख ते हस कर फुरमायो महाराज सच्चे पातशाह मुस्करा के हस के बोले गुरु हरगोबिंद साहब जी दुष्ट ने सिर उत्पात उठायो महाराज कहिंदे उत्पात बारे पुछदा भी क्यों उत्पात क्यों छेड़ा छेड़िया दुष्टां नूं सोधण वास्ते छेड़िया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु महाराज कहिंदे दुष्टां दे सिर ते जुत्ती फेरनी है उहदे लई छेड़िया झड़क झगड़ा हाँ जी करता पुरख भूम को मालिक दूजी गल जमीन का मालिक कौन है जमीन का मालिक करता पुरख वाहेगुरु है ये जमीन सारी ओदी है सारा संसार ये सृष्टि किसी बंदे दी नहीं जमीन नहीं कदी किसी दी बनी कहिंदे मेरी जमीन है मेरी जमीन है पता नहीं किन्ने क बंदे हल वाह के चले जाते किन्ने बंदे उत्थे घर पा के ढा के चले जाते जमीन तो उत्थे रहिंदी लखां साल हो गए मालक ओही है सारी धरती का मालक वाहेगुरु है हाँ जी अपर किसू को क्या है तालक महाराज कहिंदे फिर ओके दे कोलों पुछिए जे मालक वो है तो असीं तुहाडे कोलों क्यों पुछिए भी इत्थे बैठना कि नहीं बैठना तू कड़ा मालक है धरती का महाराज कहिंदे मालक तो करतार है वाहेगुरु है जे सारा कुछ ओहदा है तो फिर असी किसी होर कोलों क्यों पुछिए होर किसी का की विच तलक है क्या वह किसी दूसरे का विच कोई मसला जमीन तो वाहेगुरु की है सो परमेश्वर बूझन करियो असीं उहनूं पुछ लिया अकाल पुरख नूं पुछ के बैठे हैं उन्हूं पुछया मालक है उन्हूं पुछया भी इत्थे बह जाइए वह कहिंदा बह जाओ असीं बह गए हैं असीं होर किसे तो नहीं पुछदे होंदे असीं अकाल पुरख नूं ही पुछदे हाँ पुरखो रचन मनोरथ धरियो ते उहदे हुक्म नाल असीं इत्थे शहर वसाणा इत्थे पिंड वसाणा नगर वसाणा उहदी आग्या नाल बैठे हाँ उहदे हुक्म नाल बैठे हाँ असीं हर चरणन रुच मह चित परचियो साडा मन उहदे चरणां च जुड़िया होया उहदे रंग च रंगे होए हाँ उहदी भगती दा सानू रंग चढ़िया होया सानू इन्हां लोकां दी दुनियावी लोकां दी पुछगिछ करन दी कोई परवाह नहीं है सब हित इही मोल हम खर्चियो असीं इही मुल खर्चिया तू कित्थे किन्ने कु पैसे खर्चे जमीन दे पुछदा भगवान दास महाराज कहिंदे असीं खर्चिया
असी उहदे नाल जिहड़ा प्रेम पा लिया वाहिगुरू नाल दोस्ती पा ली है ना, यही मुल है। प्रेम का ही मुल तारिया असी, होर असी पैसों का मुल नहीं तारिया। अपर बूझनो हम नह कीनो, होर असी ना पुछया ते ना किसी तो पुछना। जिहदे कोलों पुछना पुछ लिया, होर जने खड़े नूं पुछदे फिरीए असी। हाँ जी, महाराज राजा प्रभ चीनो। हाँ हाँ हाँ, राजा का राजा कोई हर समान नहीं राजा, उस वाहिगुरु के वर्गा कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं। ओ राजन को राजा, महाराजन को महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। उस राजे नूं छड़ के किसी होर राजे नूं पुछिए, जिहड़े चार दिन दे ए भूपत सब दिवस चार के, ये राजे दे चार दिन दे राजे ने, अज इन्हां दा राज है, कल नूं किसी होर दा, परसों किसी होर दा, उहदा सदा ही राज है। जिहदी धरती है, जिहदा राज है, असीं उहनूं पुछ लिया ते असी होर किसे ऐरे गहरे नथू खैरे नूं नहीं पुछदे हुंदे। हाँ, सुन केरड बोलियो मत काचा, ओ मत दा कच्चा भगवान दास केरड गुरु साहब दे बचन सुन के बोलिया, निश्चय बनियो भगत तू साचा। हाँ, कहिंदा मैनूं पता है तू बड़ा भगत बनिया फिरिया, अपने आप नूं तू गल्लां बातां नाल बड़ा भगत बनदा है, वी मैं बड़ा संत हाँ, मैं बड़ा ब्रह्म ग्यानी हाँ, मैं बड़ा भगत हाँ, गल्लां बातां नाल ते तू भगत बनिया होया, जानदा मैं तेनू। ਹਾਂਜੀ, ਖੜਗ ਕਮਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਵੇਖੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਵੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ, ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ, ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ, ਹਿਰਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨ ਜੋ ਆਈ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਧੂੜ ਮਿਲਾਈ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, 7,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕੇਰੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7,000 ਮਾਰੇ ਤੁਰਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦਇਆਹੀਨ ਹੋਏ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਾ, ਦਇਆਹੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਦਇਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ 7,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ ਤੂੰ ਭਗਤ ਜਗਤ ਨਿਰਧਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਭਗਤ ਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 7,000 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਓ ਘੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨੀਠ ਨੀਠ ਬਚ ਕੇ ਚਲ ਆਇਓ, ਚਲੋ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤ ਆਵਤ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਇਓ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਤਪਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਝਗੜਾ ਪਾ ਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2-4, 10-20-50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉਤਪਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਮ ਕਹਿ ਉੱਠ ਤੇ ਭਇਓ ਕਰ ਚਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਕੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਬੋਲਤ ਬਚਨ ਅਨਚਿਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
बोलदा बोलदा फिर होर बोलन लग पिया, जांदा जांदा भी बोलनों हटिया नहीं भगवान दास किरड़। भला भयो गुर हिंदु नकेरा, कहिंदा वेखो यारो, कहिंदा चंगा गुरु बनिया, असी हिंदू लोग इहनू मत्था टेकदे आ भी गुरु है गुरु है, गुरु नानक दी गद्दी ते बैठा, एहो जे गुरु हुंदे कहिंदा चंगा गुरु है। करण कुकर्मन मह मन प्रेरा, एक गुरु होके कुकर्म करदा, शिकार खेडदा, हथियार रखदा, प्राणी घात चहत दिन रात जीवां नू मारदा, रोज ते ए शिकार खेडदा, कदी हिरणा नू, कदी से बारह सिंगियां नू, कदी ससियां नू, कदी रिछां नू, कदी शेरां नू, कदी सूरां नू मारदा। लड़बे हेत करण उत्पात, ते लड़ाई लई हर वेले तैयार रहिंदा, हर वेले उत्पात करन नू, लड़ाई नू ए तैयार रहिंदा, ए किहो जिहा गुरु है वेखो यारो। हाँ जी, लेन देन इतना हन तेरो, हाँ फिर गुरु साहब वाला उंगल करेगा, तेरा इत्थे कोई लैन देन नहीं, कहिंदा ये जगह तेरी नहीं, इत्थों चला जा, अपना भला चाहना, नहीं तो मेरा नाम भगवान दास केरड़ है, मैं बादशाह का माल गुजारा, मैनू एवें ना समझी। पिता पितामा को नह चेहरो, हाँ तेरा मेरा कोई वैर भी नहीं प्यो पितामे का, भी कोई तू इस जमीन च तेरा कोई हिस्सा होवे, तेरे प्यो का होवे, तेरे दादे गुरु रामदास का होवे, इत्थे किसे गुरु का कोई झगड़ा नहीं, कोई जमीन का साड़ी जमीन है मेरे प्यो दादे दी है, तेरा इहदे च कोई किसे तरह का दखल नहीं होना चाहीदा। औचक आन परयो कर डेरा, अचानक तू आ के धक्के नाल बह गया इत्थे डेरा करके, तेरे कोई कागज पत्र कोई लिखत पढ़त कोई होवे, तू सबूत पेश कर भी मेरी जमीन है ते तू बैठा, इदा थोड़ा होंदा भी किसी की जमीन ते जाके पिंड वसा देना, किसी की जमीन ते जाके झंडा कढ़ देना, इत्थे मैं पिंड वसावांगा, जमीन साड़ी पिंड तू किवें वसा लेंगा बई, इदा फिर भगवान दास गुरु साहब नूं बोली गया। लगियो बनावन कोट चुफेरा, इत्थे तू किला बना, महाराज किला बनाने लगे सी ना, आले दुआले कंध कच्ची करन लगे सी, भी कोई मोर्चा बंदी होवे जंग युद्ध होवे ते उत्थे दरिया दे कंडे ते मुकाबला कर सकी, किला बना रहे सी छेवें पातशाह, कहिंदा तू इत्थे किला बनाने लगा, इवें तैनूं मैं किवें किला बनाने देंगा, मेरा ही जगह है, मैनू पुछया नहीं, मैनू गिछया नहीं, ते मेरे पिंड जा के किला बनाने लगा है। ना हे ता जे चाहत निज भला, जे तू अपना भला चाहना, जे तू अपनी खैर चाहना, हाँ जी, होत प्रभात जाहो तू चला, तू कल सवेरे इथों चला जाई, अज दी रात तू चल ठीक है बैठा, पर मैं सवेरे तेनू इत्थे देखना नहीं, इत्थे तू नज़र नहीं आना चाहीदा, ये मेरी गल कन खोल के सुन ला, सवेरे तू इथों चलिया जावी। को जन है को नाहन जन है, कोई जानदा ते कोई नहीं जानदा, उदय भान ते प्रथम पियान है, बस सवेरे सूरज चढ़न तो पहला तू इत्थों चलदा बनी, ये मेरी गल पल्ले बन ला, किसे नू पता लगा किसे नू नहीं लगा, तेरी भी इज्जत है मेरी भी इज्जत है, ते जे तू कल नू इत्थों ना गया ते रौला बड़ा पैना, लोगों ने कहना भगवान दास दे पिंड गया सी उन्हें कढ़ दिता, फिर पल्ले की रहेगा, तो तू गुरु है ना, इस करके इज्जत दे नाल सवेरे सवेरे साढ़े पिंडों चला जा। यहाँ न बसनो पाव है कोई, इत्थे किसे नू मैं नहीं रहन देना, ना मैं तेनू रहन देना ते ना मैं तेरे सिखा नू रहन देना। सरब टहावो चिन ते जोई, आ जिहड़ियां कंधां तू बना रहा किला बना रहा ये मैं सवेरे ढोआ देनियां, मेरे बंदे आउणगे तू बना रहा ते असीं ढोआ देनियां ने। हाँ जी, इम बोलत कर तो बकबाद, इस तरह भगवान दास बकवास करी गया, बोली गया बोली गया, तो जिमें कोई सिरड़ी जहा बंदा हों ना उन्होंने फिर बंदे बोलन दिया फिर रुकता नहीं, फिर इदा वो जबान चली गई तो खपती जहा हो गया। धाम गयो गुर कह अपवाद, गुरु साहब की निंदा करके माड़ा चंगा बोल के घर चला गया। कही कठोर अनुचिती बानी, उन्हें बड़े कठोर ते अनुचित ते अयोग बचन कहे। छिमा निधान छिमा मन ठानी, गुरु साहब फिर भी खिमा, ये गुरु साहब की वड्याई है सत्संग जी, धीर जिम वीर मैं, शीर जिम नीर मैं, हवी हवी जिम खीर मैं, धीर जिम वीर मैं, होत सुखकार है भाई संतोख सिंह लिखते, कहिंदे दुध दे विच घिओ पानी च शीतलता, दुध दे विच घिओ नेचुरली है,
दुध दे विच घिओ कुदरती है, तो पानी च शीतलता कुदरती है, तो बीर विच धीरज कुदरती है जे बीर है। तो जे बीर नहीं उदा ही मिनट च गुस्से च आ गया तो अग बबूला हो गया एकदम, जिवें कखां दी अग बलदी ना पराली दी अग, ऐं लाइट निकलती दो मिनट बाद ठंडी हो जाती। मेरे वर्गे कई बंदे एकदम गुस्से च आ जाते, एकदम गुस्से जाके लाल पीले होए फिर आप ही हिलण लग जाते, कंबण लग जाते। मैं कई देखा बुल भी फड़कते हैं तो हार्ट भी जिहड़ा ना उन्हां दा तेज तेज धड़कन लग जाता, लत्तां कंबण लग जांदियां, हाथ कंबण लग जाते। वह गुस्सा कहदा गुस्सा जिहड़ा दो मिनट चढ़िया तो दो मिनट ठंडा हो गया। सूरमे नूं गुस्सा नहीं चढ़दा, तो जे चढ़ जाए तो फिर लैंदा बड़े आराम नाल, एकदम नहीं फिर लैंदा। जिमें लोहा छेती कीत्या गर्म नहीं हुंदा, जे गर्म हो जाए फिर छेती ठंडा नहीं हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह जी सारियां गल्लां सुनी गए, मुस्कराई गए, गुस्सा ही नहीं कीता, बिल्कुल धीरज बैठे। कहिंदे धीर जे मबीर मैं होत सुखकार है। कविराज भाई संतोष ने बड़े सोहणे सोहणे बचन लिखे है, कहिंदे दुध विच घिओ नीर शीर जिम नीर मैं हवी जिम खीर मैं। हवी कहिंदे ने घिओ नूं ते खीर कहिंदे ने दुध नूं। दुध विच घिओ कुदरती है, पानी च ठंडक कुदरती है, पानी दा सुभाव ठंडा। ते कहिंदे इसे तरह धीर जिम वीर मैं जोधे विच धीरज। महाराज महाबली जोधे दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। हसी गए, गुस्सा नहीं किया, वो बोली गया बकवास करी गया। महाराज इदा वेखी गया दल भी चलो भड़कदा भड़क लैण दे, हांडी उबलेगी अपने कंडे साड़ेगी साडा की लेगी। हांडी उबलती है अपने कंडे साड़ती है, ये उबलदा उबल लो। महाराज सच्चे पातशाह जी बड़े आराम नाल सुनी गए। हाँ जी विधि चंद रिस बचन उचारा। भाई विधि चंद जी कौन जरिया गया, गुस्सा आया थोड़ा जा, गुस्से जाके भाई साहब बोले। हाँ जी यह गुरु द्रोही चाहिए तुम्हारा। सच्चे पातशाह गुरु द्रोही है, तुहाडे सामने बोल गया, साढ़े होंदे साढ़े सतगुरु के सामने कोई बोले इन्ना माड़ा बोलिया तुहानू तू तू करके बोलिया। तो कहिंदा भी वड्डे महाराज का भी नाँ ठीक नहीं लिया, वड्डे महाराज नूं भी ये कहता भी आ अर्जन दे पुत्र, महाराज पंजवें पातशाह जी का नाँ ही चंगी तरह ले लैंदा, वह भी नहीं लिया। इनू महाराज सलोत्र फेरना चाहिए, इनू छित्र फेरने चाहिए, इनू मारना चाहिए। हाँ जी नहीं अदायब साहिब केरा, इनू सच्चे पातशाह गुरुआं का अदायब ही नहीं, महापुरशां का सतगुरां का गुरु का अदब की हुंदा, गुरु की रिस्पैक्ट की हुंदी, इनू पता नहीं है। बोलत गमन्यो निठुर बटेरा, ते जांदा जांदा बकवास किन्ना कर गया, किन्ना बोल गया है। सुन श्री गुर मुस्काए बखाना, सतगुरु हस पे मुस्करा पे ते बोले। देहो बलीपुर मह खुसमाना, कहन लगे जे कोई पिंड वसाणा हुंदा सी ना पहले जमाने च ते लोग बली देंदे हुंदे सी, बली कोई बकरे दी बली देंदा सी, कोई झोटे दी बली देंदा सी। महाराज कहिंदे लगदा इहदी बलि देनी पैणी आपां नूं, आखो सतनाम श्री वाहे, कहिंदे आपां नूं ना इहदी बलि देनी पैणी है ते तां इह शहर वसणा नगर वसणा। हांजी इसके हते नीव थिर होवे, महाराज कहिंदे जिवें पहले जमाने च लोग पिंड वसांदे सी ते कोई झोटे दी बलि देंदे सी, बकरे दी बलि देंदे, कहिंदे वी नीह पक्की होवेगी, लोकां दी मानता सी। हस के महाराज कह रहे, कहिंदे इहनूं मारन नाल लगदा साडे नगर की नीह पक्की होवेगी, इहनूं लगदा बली इहदी देनी पैणी आपां नूं। हांजी सगरे शगन जनावत जोए, ये सारे सगन इहदे घर हो रहे ने, लगदा पिया इहदी मौत नेड़े आई होई है। महाराज आयस अब दीजा, भाई विधि चंद कहिंदा महाराज फिर हुणे आ गया, दिओ फिर ला दईए सोधा, इहनूं झटका दईए तेग दे नाल हुणे ही। ਹਾਂਜੀ ਜਾਏ ਸਦਨ ਹਮ ਤਾਹੇ ਗਹੀ ਜੈ, ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਫੜ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਸੌਦਾ ਲਾਈਏ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਅਨਹ ਰਾਵਰ ਕੇ ਅਬ ਪਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਚੰਦੂ ਕੇ ਸਮਕਰ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁੜਮ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੀਏ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਨਹੀ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੜ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੜੋਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ,
सच्चे पातशाह जी सानू आग्या दिओ। हाँ जी, गुर निंदक तब ही फल पाए। गुरु महाराज का निंदक इनू फल मिले दी करनी दा। श्री हर गोविंद बाक बखाने। श्री गुरु हर गोविंद साहब महाराज बोले, गुर द्रोही जेतक जग जाने। महाराज कहंदे विधि चंद, जिन्हें गुरु घर के दुखी ने, जिन्हें गुरु नानक पातशाह दे घर नाल वैर रखते ने, धर्मी पुरशां नाल वैर रखते ने, भूत भविखत जे अब अहं, जिहड़े पिछले समय च भी होए ने, हुण भी ने, ते अगे भी होने ने। ये दुनिया इदां चलदी आई, कोई भी समा इहो जिहा नहीं आया जदों धर्मी पुरशां दा पापी बंदिया ने विरोध ना कीता होवे। दुष्ट बंदे संतां नाल वैर करदे ने, बाणी च लिखिआ संतां नाल वैर कमांदे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पाछे सुख नहीं, मर जमे वारो वार। उन्हां दा काम रहा प्रहलाद भगत दा इतिहास सतयुग तो शुरू होंदा, ध्रुव भगत दा सतयुग दा इतिहास है। ध्रुव दी मतरेई माँ वैर करदी सी ते प्रहलाद दा प्यो उहदे नाल वैर करदा सी। भगती करन वालियां दे ते घर वाले ही वैरी बन जांदे ते दूजियां दे बनना ही है। ते ए फिर जिहड़े गुरु दुखी होंदे ने, क्यों ना कहो अग को फल लहें, इन्हां नूं पापां दा फल मिलना ही मिलना। इन्हां नूं मारन दी लोड़ नहीं हुंदी। पापी के मारने को पाप मां बली, पापी नूं पाप ही मार दिंदा। लोक बिखै जल उखड़ है सारी। भाई विधि चंद जी, इन्हां पापियां दी इस दुनिया तो जड़ उखड़ जांदी है, अगे कोई नां लैण वाला नहीं रहिंदा। साध संगत जी, साडे देखदिआं इहो जिहे लोक होए जिन्हां दे बड़ा तूती बोलदी सी, अज कोई पुछदा उन्हां दे घर दे उन्हां दे न्याणे रुलदे फिरदे। औरंगजेब की औलाद हुण रुलदी फिरदी है, होर बड़े बड़े जालम लोग उन्हां दीआं पीढ़ियां खत्म हो गईआं, कुला नाश हो गईआं, जिहड़े गुरु नाल वैर करदे सी। मरहै पाए दुख नरक मजहारी। महाराज कहिंदे फिर मरदे ने, दुख पा के नरकां च जांदे ने। कोई ना वाली बन है सहाय। कोई इन्हां दा वाली वारस नहीं बनदा जिहड़े गुरु दे निंदक हुंदे ने। भोग हैं संकट बहु बिल लाए। ये बड़े संकट भोगते ने, बिरलाप करते ने। यह घेरड़ अब अभगत पावै। ये भगवान दास घेरड़ ना जड़ा, ये हुण मर के नरकां च जा रहा है, इहदा टाइम पूरा हो चुका है। महाराज कहिंदे हाँ, सम चंदू के नरक सिधावै। जिवें चंदू गया सी नरकां नूं, इह भी जाएगा। बचत नहीं दीखत मर रहै। विधि चंद, असीं मारना तां नहीं चाहुंदे, पर इहदे लक्षण मरवाणगे इहनूं, इहदी बोली मरवाएगी। बंदे दी बोली उहनूं तख्त ते बिठा दिंदी है, ते बंदे दी बोली उहनूं तख्ते ते खड़ा कर दिंदी। तख्ता मैंने फांसी दा, बोली बड़ी जबान एक बड़ी वड्डी शक्ति, सीधी बोल बोल मिठे प्यार दे ते तख्त ते बिठा देंदे, ते कब्बा बोलो ते नरक बना देंदे जिंदगी मौत आंदे। द्रौपदी ने कहा सी अन्ने दा अन्ना, ते दो बोलां ने महाभारत करवाता सी, किड्डा वड्डा जंग होया सी। बोल बड़ा असर रखदे, चंगे बोल माड़े बोल। साध संगत जी, ये जदों भी बोलीए, बैताल कह बिक्रम सुनो जीभ संभारे बोलीए। बैताल कह बिक्रम सुनो, बिक्रम बैताल की कहानी सुनी होनी तुसी। कहिंदे बैताल ने बिक्रम राजे नूं सिक्ख्या दित्ती सी, कहिंदे जदों भी बोलो तोल के बोलो, कोई इहो जिहा बोल बोलीए भी सारी दुनिया लड़के मर जाए, ना इदां दा बोल नहीं। महाराज कहिंदे भगवान दास घेरड़ की बोली मरवाएगी इस नूं। आज काल मह मृत कोल है। आज काल ये मरन वाला ही है, बस हुण इहदी तैयारी है। इम कह मौन करी जगनाथ। इदां महाराज कह के चुप कर गए, ये नहीं कहा भी मार दिओ, कहिंदे आपे ही मरेगा, इन्हें अपनी करनी तो ही मरना, करतूतों तो ही मरना। बनहै कोट बड़ तूरन साथ। तुसीं किला बनाओ, अपना काम करो, सिंघां नूं कहो भी फटाफट इट्टां लाई जाण, पत्थर लाई जाण, मिट्टी लाई जाण, गारा चूना जो भी है, छेती छेती किला तैयार कर दिओ। मानव लगे कार समुदाय। गुरु के सिख लगे काम करन, सेवा करन, पिंडां तों मजदूर भी लै आंदे, संगतां भी आ गईआं, फौजां भी लग गईआं, सारे लगे आ, गुरु साहब दा किला बण रिहा। हांजी, खरे सिख कह कह बनवाए। गुरु के सिख मुखी गुरु घर दे मसंद कोल खड़ के ओह बनवा रहे, इदां इदां बनाओ, कारीगर बनाई जांदे आ, कंध बन रही है।
सुन मेहनत नर आवत तहाई। जदों पिंडां दे मजदूरां नूं पता लगदा वी उत्थे काम है, वो दिहाड़ी लैण लई मेहनत लैण लई काम लैण लई आई जांदे है, ते गुरु साहब सारे मजदूरां नूं काम दे रहे, फटाफट भई लगे रहो, दिन रात लगे रहो, काम छेती मुका दिओ, ते खजाना गुरु दा खुला। महाराज सारिआं नूं मजदूरी दिंदे, पैसे दिंदे। विधि चंद कहे सब ने लगाई। भाई विधि चंद हर मजदूर नूं भी मजदूर भी लग गए, संगतां भी लग गईआं, जोधे भी लग गए, काम छेती हो रहा है। तिस दिन केतक होई इस त्यार। उस दिन जो काफ़ी किला बन गया, किन्ना कि किन्नी वड्डी दीवार बन गई। संध्या लग पई शीघ्र सोकार। सवेर दे लगे शाम ताई काफ़ी काम नबेड़ दिता, फटाफट हले दे नाल ही कर दिता। बरी निसाते सब पर सोए। रात पई सारे अपने अपने आसना ते सुख नाल सोते। जागे बहर प्रात को जोए। अगले दिन सवेरे अमृत वेले सारे जागे। होन लग्यो तैसे तब काज। फिर काम सेवा शुरू हो गई, वो किले दी दीवार बन लग पई। फेरियो फिर कर गुर महाराज। महाराज आप सच्चे पातशाह किला वेखण गए। मीरी पीरी दे मालक सतगुरु महाराज जी सारा किला बनता हुआ आप देख रहे हैं। श्री मुख ते सब को फुरमायो। सतगुरु जी ने अपने सुभाए मान मुख तो इं बचन किते। करियो त्यार जन बनियो बनायो। महाराज कहते जो दो तुसी ते कल कमाल ही करती है, एक दिन च इन्ना किला बनाता जिमें पहला ही बनया होवे। करियो त्यार जन बनियो बनायो, ये बनया बनाया ही मिल गया होवे। जिमें इन्नी तुसी साध संगत जी जिथे सच्ची भावना होवे, इरादा नेक होवे, उत्थे कुदरत सहायता करती है। गुरु नानक मेहरा करदा ते काम फतेह हुंदे है, काम लटकदे नहीं हुंदे जिथे इरादे नेक होण। दियो दरब दुगनी सो मजदूरी। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे दुगनी मजदूरी दिओ सारिआं। जे किसे दा अठ आने दिहाड़ी उहनूं रुपईआ दिओ, जे रुपईआ उहनूं दो रुपईए दिओ। हांजी ले सब करत प्रेम ते रूरी। प्रेम दे नाल सेवा हो रही है ते मजदूर दिहाड़ीदार मिस्त्री लगे हुए ने। सतगुर बैठे लाए दीवान। महाराज मीरी पीरी दे मालक पातशाह दीवान ला के बैठ गए ने। निकट सपाट गण जे सवधान। सूरवीर जोधे शस्त्र धारी भाई विधि चंद भाई जेठा जी वर्गे त्यार बर त्यार होके शस्त्र लैके दीवान च बैठे ने। जाम दिवस जब चढ़ कर आयो। जदों साध संगत जी पैर दिन चढ़ आया। घेरड देखियो लीन बनायो। भगवान दास घेरड ने वेख्या ते रुके नहीं। मैं ते राती कह के आया सी भी सवेरे चले जाए जे दिन जड़े तू पहला ते मैं कंध ढोआ देंगा। ये कंध ढोआन वाली गल है ते दोबारा फिर लग गए ने, ते फिर होर उच्चा करन लगे ने किला। कदक क्रोध ते पूरन होयो। ये ते हटे ही नहीं कम करन तो, ये तो कंधा बनाई जाते ने, ये तो किला उसारी जाते ने, मेरे पिंड नूं घेरी जाते ने। ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਲਾਲ ਪੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਇਰਖਾ ਦੁਖ ਰਿਦਾ ਪਰੋਯੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਪ ਸਮਝਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੀਵਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਤੰਗ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਬਲ ਤੇ ਗਰਬੰਤਾ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਾਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਖਲੋਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਭਰ ਨਹੀਂ ਲਖੰਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਕਤਾਵਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹਿ ਤਾਏ, ਜੋ ਨਰ ਪੀੜਤ ਕਾਲ ਕਰ ਕੋ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹਿ ਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
हुण काल इहदे सिर ते आ गया, मौत इहदे सिर ते आ गई। आए हो चल कर श्री गुर ओरी, ये फिर ना मौत दा प्रेरिया होया सतगुरु पातशाह दे दीवान वल तुरिया आउंदा। थूल पाग सिर हाथ सटोरी, इहदे हाथ सोटी फड़ी होई है ते पाग ने सिर दे उत्ते ढिल्ली जी बन्नी होई है, शमले वाली कुल्ले वाली लालियां वर्गी पग बन्नी हुई ते कुल्ला कढ़िया होया तिलेदार, ते जुती भी इन्हें पाई तिले वाली ते धोती जी बन्नी गोगड़ छड़ी हुई, ते ढिलकू ढिलकू जा करदा ते क्रोध नाल लाल पीड़ा होया बुड़बुड़ करदा होया सतगुरु साहब जी महाराज छेवें पातशाह दे दीवान वल तुरिया आउंदा। महामूड़ कुड़ियार कुपत्ता, भाई साहब कहिंदे महामूरख है कूड़िया, रज के सारी उम्र झूठ बोलिया ते सुरत विच झूठ ही बसिया होया, ते कुपत्ता जिहड़ी अपनी पत नहीं हुंदी ना उह दूजिआं दी भी पत लाहण दी कोशिश करदा माड़ा बोल के, जिहड़ा बंदा चज नाल बोल नहीं सकदा उहनूं कहिंदे ने कुपत्ता, वी इह बंदा बड़ा कुपत करदा, कहिंदे वी इहनूं बोलण दा पता नहीं, पंचायत किवें बोलणा, सजणा मित्रां नाल किवें गल करनी, गुरुआं पीरां नाल किवें बोलणा। महामूड़ कुड़िया कुड़ियार कुपता, ये भगवान दास केरड़ तुरिया हुंदा। चहत निकट जै बे चवगता, ये सतगुरु पातशाह दे खिलाफ बादशाह को शिकायत करन दी भी सोची बैठा भी हुण मैं इन्हां नूं एक बारी चैलेंज करके ते अज ही मैं लाहौर चला जाणा ते मैं बादशाह को जाके फरियाद करनी इन्हां दा, मैं फिर इन्हां नूं इत्थों भजावांगा। इसको आज डराऊं बिसाला, कहिंदा अज मैं इहनूं डरा दिया, जे अज मेरा डर मन के चला गया ठीक है, नहीं फिर कल ते फिर बादशाह कोल पहुंचांगा। जे सुन कर जाव है कर टाला, जे मेरी गल सुन के अज ही टल के चला गया ते फिर खेड़ा छुट्टिया, फिर मैनू फरियाद करन दी लोड़ नहीं। नाहे ता लश्कर को ले आऊं, नहीं ते फिर फौजां लियावांगा। बादशाह दा लश्कर कादे वास्ते है, इहो जे जिहड़े बंदे डाकू खूंखार लड़ाके हुंदे ने सरकार फौज उन्हां वास्ते रखदी काबू करन लई, इह मेरी जगह ते डाका मार रिहा गुरू ते मैं इत्थों गुरू नूं पजावांगा। पर तर रोकन फल दिख राऊं, इहने मेरी जगह रोकी आ के मेरे पिंड ते कब्जा कीता, इहदा फल पावेगा। गहयो जाए क मारग जाई, हाँ कहिंदे जां फड़िया जाएगा, बादशाह इहनूं फड़ के जेल च सुटेगा, लड़ाई दे विच जां इह मारिया जाएगा। आगे रहियो शाहो रिसपाई, अगे बादशाह इस तों खफा है, बादशाह अगे ही इहदे ते गुस्से है क्योंकि इहने उहदी 7000 फौज पहले ही मार दित्ती ते बादशाह बड़ियां कचीचियां लै रहा भी किहड़ा वेला होवे ते मैं गुरु हरगोबिंद कोलों पिछली लड़ाई दा बदला लवां। इम चित मह चित वत चल आयो, इस तरह सोचा सोचदा होया अपने सुपने लैंदा होया केरड़ भगवान दास महाराज साहब दे दरबार च आ गया। जहां बैठ गुरदेव सुहायो, जिथे महाराज मीरियां पीरियां दे मालक महाबली जोधे तख्त ते बैठे हुए हैं। बोलियो मूर्ख नमो ना कीनी, महाराज नूं आके फिर अज कोई राम सलाम नहीं कीती, नमस्कार नहीं कीती, ओ खुंडी जी थले मार के ते गुरु साहब नूं इउं बोलिया। जात मान रिस महमत भीनी, कहिंदे अपनी जाति दा अपनी पदवी दा अपने अहुदे दा हंकार है ते क्रोध नाल लाल पीड़ा होया, अखां लाल करके गुरु साहब नूं बोलिया। नहीं टरियो कर बे उत्पात, कहिंदा फिर तू नहीं टलिया, कहिंदा तू हटिया नहीं उत्पात करन तों। हांजी समझो भली ना अपनी बात, तू टिकिया नहीं, तू अपना भला नहीं सोचिया, फिर तैनूं लगदा अपनी जान प्यारी कोई नहीं। करन बुरा निज को किम चाहत, तू अपना बुरा क्यों करना चाहुंदा, तू क्यों मौत मंगदा मेरे कोलों। हांजी सर्प शेर को गहन उमाहत, तू सब्बां नूं शेरां नूं हथ पाना, अपने आप नूं शेर दसदा, कहिंदे मैं बादशाह दा बादशाह शाहजहां दा बंदा आ, तू एक साध है, ये कहना चाहुंदा, कहिंदा भी तू मैनूं हथ पा रहा शेर नूं। हांजी क्यों चाहत निज प्राण नहाना, क्यों अपनी जान गवाणी चाहुंदा। मम जीवत किम बस है सथाना, मेरे जीवदिया तेरा पिंड किवें बस सकदा, पिंड मेरा रुहेला पिंड है ते इहदा मालक मैं हाँ, ये सारे पिंड मेरे ने, माल गुजारी मेरे ही है, बादशाह ने मैनू दिते हुए ने, तू इहदे ते किवें कब्जा कर लेंगा आके। शाहजहां को समझत नाहीं, तू बादशाह नूं कुछ समझदा ही नहीं, बादशाह हिंदुस्तान दा बादशाह दुनिया की सब तो वड्डी ताकत सी उस वेले,
अज कल जिवें अमेरिका है, पहला रशिया सी, पहला इंग्लैंड सी, उस तो पहला दा इतिहास पढ़ो तो हिंदुस्तान दुनिया की सब तो वड्डी ताकत सी। मुगल बादशाह किसी नूं अख थले नहीं सी लिआउंदे, किसी नूं कुसकण नहीं सी दिंदे, दूजे मुल्कां नूं भी नहीं सी कुसकण दिंदे, तो अपने ही मुल्क दे विच कोई बागी हो के इहो जिहा काम कर देवे बादशाह दे खिलाफ, कहिंदे तूं बादशाह नूं जाणदा नहीं। ना हुक्म रह कैद के माही, सारी उम्र जेल च सड़दा रहेगा, कैद विच ही मरेगा। श्री हर गोविंद सुनत बखाना, भगवान दास दा ए दबका सुन के महाराज बोले गर्ज के, मरियो चहत क्यों मूड महाना। महाराज कहते लगता मरना तो तू चाहना, मूर्खा तू क्यों मरना चाहना। जिहड़ियां गल्लां उन्हें मारे नूं पुछियां सी ना भी तू क्यों मरना चाहुंदा, मारे कहिंदे तू क्यों मरना चाहुंदा दस जरा। हांजी, शाहजहां रह कै इस थाई, महाराज कहिंदे ओह किहड़ा शाहजहां, आखो सतनाम श्री वाह, ओह किहड़ी बुला दा नां है शाहजहां, किथे रहिंदा शाहजहां, रह किस थाई, किथे रहिंदा शाहजहां कहिंदा। हांजी, मारियो मरह कूर बिन आई, क्यों तू ओह पता नहीं बेचारा तेनों छुड़ाण आवे ना आवे, तू एवें इत्थे साडे कोलों मारिया जाएगा, वो तेनों वो रहिंदा पता नहीं दिल्ली इस टाइम बैठा होना जां लाहौर बैठा होना, तू साडे कोल है ते इत्थे ते इक्को ही चपेड़ पैणी है, तेरा काम हो जाना। महाराज कहिंदे तू आने आई मौत मरना चाहुंदा। हांजी, प्राण उबार दृष्ट ते टरो, इदां कर अपनी जान सलामती लैण वापस चला जा, अपने घर बह टेक के, असीं तेनों कुछ नहीं कहिंदे, असीं ते अपनी मौत च आए हैं, दो चार महीने इत्थे लीला करनी है, शिकार खेडना, फिर चले जाना असीं, तू अपनी जान लैके अपने घर जांदा बण। नह आवन इतको कब करो, ते मुड़ के इत्थे दरबार च ना आवी, महाराज कहिंदे क्योंकि असी तां छुड़ाई जावांगे, आ जिहड़ियां फौजां बैठियां ने इन किसे ने तेरा कीर्तन 16 मिंट च ही पढ़ देना, तू अपने घर रवी हुण, किसे सिख दे ढाए ना चढ़ जाई। हांजी, शाहो भरोसे मह मर जाए है, बादशाह दे भरोसे ते एवें ना किते मर जाई, बई बादशाह छुड़ा, बादशाह कित्थे आएगा तेनू छुड़ाण, उस तों पहलां ही तेरा किसे ने कम कर देना। हम नह डर हैं तुरक बद कह हैं, ते बाकी जेड़े शाह जान दियां तू धमकियां दिंदा उहदे तों असीं रत्ती जिन्ना भी नहीं डरदे, उहदी असीं नहीं परवाह करदे, असीं ते उहो जिहां नूं नथ पाणी है, उहो जिहां नूं तुसीं सोधा लाणा, उहनां नूं झटकाण लई असीं आए हां, अवतार साडा होया ही इस काम लई। हांजी, सुन घेरड़ कर क्रोध बखानत, महाराज दे बचन सुण के उहदा गुस्सा होर वध गया, भगवान दास केरड क्रोध विच आ के बोलिया, अजहो न शाहो जहां को जानत, मारे कहिंदे केड़ा शाह जान, ते अगो होर अग लगी उनू, कहिंदा तू अजे भी नहीं जानदा शाह जान नू। हांजी, जिस ते आधी रात पलायो, ओ शाह जान जिने अमृतसर तो तेनू अद्धी रात नू कढ़ दिता सी, कहिंदे हांजी, सगरो ब्याह समाज लुटायो, तेरी बेटी दा ब्याह सी ते सारा कुछ उच बर्बाद हो गया सी लड़ाई च, तू ब्याह भी अपनी बेटी दा दूजे पिंड जा के निभाया सी। नीठ नीठ क्यों हूँ बच रहे हो, पता नहीं केड़ी तेरी किस्मत चंगी तू बच के आ गया जीउंदा। हांजी, अंधकारी मह किन हो न लहे हो, नेरे विच पता नहीं तू निकल आया उथों, सुदा सरोवर सदन छनाए, तेरा अमृतसर भी खो लिया उन्होंने, अमृतसर सरोवर ते भी उन्होंने कब्जा। हांजी, केतक सिख परे मरवाए, किन्ने सिख बेचारे मरवा ले, अजो ना समझत पा असहाल, अजे तेनू बादशाह का नहीं पता इन्ना कुछ हो गया तेरे नाल, तू बादशाह तू अजे भी नहीं डरदा, करत फिरत उत्पात विशाल, अजे भी उत्पात झगड़े करदा फिरदा, लोकां दी जमीनां दे कब्जे करदा, अब कै शाहो ना छोड़ै तो ही, वो पिछे चलो बादशाह ने ठंडी पा ली सी, ऐतकी बादशाह ने ठंड नहीं रखनी, ऐतकी नहीं छड़ना बादशाह ने तेनू, पहुंचन देहो निकट अब मोही, बस मैनू जरा लाहौर जा लैण दे, इक वारी बादशाह कोल पहुंच लैण दे, फिर तेरी खैर नहीं है। सुने सतगुर बहरो समझावें, महाराज फिर समझान लगे, हम तो समझ रहे जम भावे, महाराज कहिंदे भगवान दास असीं ते सारा कुछ समझदे हां, हुण करते पुरख की खेड नूं वेख रहे हां, वो काल पुरख नूं जो पा रहा है ना वो वेख रहे हां, रंग करतार दे असीं। हांजी, शाहजहां संग मेरो झगड़ा, महाराज कहिंदे साडा जंग है शाहजहां नाल, साडा खंडा खड़क रहा सानूं पता, खड़कना अजे अजे टिकना थोड़ा, ये उन्हें नहीं छेड़िया असी छेड़िया, आखो सतनाम श्री वाह, शाहजहां ने नहीं छेड़िया असी छेड़िया, क्यों जे असी ना छेड़दे इनू नथ नहीं सी कोई पाण वाला, ये रोज़ जुलम करता सी, जालम नूं असी चैलेंज किया, उहदा बाज खोया सी ना महाराज ने, क्यों खोया सी भी इहनू हुण नथ पाणी पैणी, ये जालमां नूं जिहड़ा
ये वर्तारा गरीबों उत्ते जुल्म करते ने, अपना हुक्म चलाते ने, किसी की परवाह नहीं करते, मारन गऊ गरीब नू धरती उपर पाप बिथारा। इन्होंने तो कोई धर्म स्थान नहीं छड़िया, कोई दीन ईमान नहीं छड़िया, इन्हों सोधना पैना। महाराज कहिंदे जंग साडा छिड़िया होया ते असी इन्हू बंद भी नहीं करना। हाँ जी, शाहो लख है कह सो हम सगदा। हाँ, बादशाह जानदा असी जानदे हां, जिहड़ा साडा उहदा झगड़ा ना वह जाने तो असी जानी, असी नबेड़ लाँगे आपे। तू किम कलपत मूड गवार, तू किहड़े सुपने लई जांदा मूर्खा, तू जिहड़ियां गल्लां सोची बैठा भी बादशाह तेरे आखे कुछ करेगा जां नहीं करेगा, वो तू एवे सुपने ना लै। इन बातें की क्या तुझ सार, तेनू की सार है इन्हां गल्लां दी, तू है खूह दा डड्डू है। साडी हिंदुस्तान दे बादशाह नाल टक्कर है, उत्तों अकाल पुरख दा हुक्म है, वो रब्बी गैबी हुक्म दे विच खेड चल रही है, ये कोई संसारी खेड नहीं है, ये दरगाही खेड है। उत्तों हुक्म आया अकाल पुरख दा, परमेश्वर दा, गुरु नानक साहब दा, ते असी खंडा चुकिया, इहदी मूर्खा तेरे वर्गिया नूं नहीं खबर। क्षमा धरी अबलो तब ऊपर, अजे तक तेनू माफ करी आने, तीन दिन हो गए तू आके बकवास करदा, पहले दिन आया बोल के माड़ा चंगा चला गया, दूजे दिन होर ज्यादा बोल के चला गया, अज तीजे दिन फिर तू आ गया। हाँ जी, नाहे त मर है पर है खल भू पर, जे तू बोलनो ना हटिया, अपनी जबान ते कंट्रोल ना किया, ते कोई सिख तेरा उंजी भुग पा देगा, तेनू मार के सुट देंगे। मुख को रोक ना बोल कठोर, अपनी जबान ते कंट्रोल कर, मुंह नू अपने नू काबू कर, कठोर ना बोल। नत आई अपदा अब कोहरा, नहीं ता समझ तेरे सिर मुसीबत आई खड़ी है हुण, कोई ना होए हिमायत तेरी, तेरी किसे ने मदद नहीं करनी, बादशाह ते बड़ी दूर बैठा, इत्थे किसे बादशाह ने नहीं अपड़ना, जदों तेरा काम हो जाना। मर जाए है मूर्ख बिन डेरी, बिना देरी दे मर जाएगा तू, जे पीछे बट होए लड़ाई, जे पिछों लड़ाई होवेगी तेरे मरण तो तेनू ओहदा की फायदा है, जे तू मर गया ते पिछों जंग होएगा वह तो असी नबेड़ांगे ना, तू तो नहीं होएगा। हाँ जी, तोहे कहां नह प्राणन पाई, तेरी जान तो नहीं वापस आ चली, तू तो नहीं जिंदा होने लगा, पर ये रह है भूमि सब इहां, ये जमीन सारी इत्थे पई रही, आ जिहड़ी जमीन पिछे तू कर रहा भी मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, इत्थे रह जाएगी ते तू चलदा बनेगा। गए त्याग से गिनी है कहां, जिहड़े लोग धरती छड्ड के गए ने, बड़े बड़े राजे महाराजे धरती दे मालक, उन्हां दी गिणती नहीं हो सकती, इस धरती दे मालक सीगे वो, पर वह धरती दे विच दफन हो चुके ने, तू इस धरती दा की माण करदा है। तुव छित तुव टिग रहै सदामू, महाराज कहिंदे इस धरती तेरे कोल सदा नहीं रहनी, करहें कितक दिन हम बिसरामू, महाराज कहिंदे असी कुछ दिन विश्राम करके चले जाना, असी को तेरी धरती ते पक्का कब्जा कर नहीं आए, तू रह ली, तू बाद च रही जाई, असी तो चार महीने चमासा है, सावण भादों असू कत्ते शिकार दरिया के कंडे ज़्यादा है, असी शिकार खेड के तो जदों चमासा निकलिया असी वापस, तू करी जाई इत्थे अपनी मन आईया, असी तेनू की कहने चार महीने रहना, चार महीने लिए असी मलगन की है, चार महीने असी अपना आसन रखना, उदू बाद असी चले जाना, तू रही जाई रहना था। राख मालकी आपन सदा, अपनी मालकी रखी, अपनी माल गुजारी बनाई रखी, असी तेरी जमीन चुक के थोड़ा ले जानी है, कोई आ गवन हमारो कदा, फिर कदी दिल करे आ जाएंगे, दिल करे नहीं आवांगे, असी तो रब दे हुक्म चलते हैं, जो कहता जाओ कितने चले जाने, जो कहता आ जाओ तो आ जाने, असी तो वो हुक्म ओदी नीली छत थले रहना है, असी जमीना दे मालक नहीं बनना, तू बनया रही जमीन का मालक। जो निज भला चाहें कर टारा, महाराज किन्ना प्यार ना समझा रहे, कहिंदे जो अपना भला चाहुंदा है आ टाला कर जा, दो चार महीने असी तेनू बहुता नहीं कहिंदे, चार कु महीने असी रह के शिकार शकूर खेडना इत्थे, फिर असी वापस हो जाना, ते बस फिर तू रही जाई, कदी दिल करे असी आ जा, नहीं दिल करे नहीं आवांगे। बैठ जा निज सदन मजहरा, अपने घर बह आराम नाल रोटी पानी खा, दुध पी के सौ, तेरी असी जमीन दे मालक नहीं बनदे। कबलो छिमातर हैं हम ऐसे, पर जिहड़ा तू है रोज बकड़वाद करदा बकवास करदा, ये असी किन्ना चिर माफ करांगे तेरा, किन्ना चिर, तू तीन दिन हो गए ने इको ही गल करदा, ते महाराज साडे पिता जी तक तू अद्धा ना लैके बोलना। हाँ जी, चंदन शीतल होवत जैसे, हाँ जिवें चंदन ठंडा हुंदा ना। हाँ जी, जेकर तसह कसाए कनेरे, पर जे उस चंदन नू रगड़ीए ना, चंदन नू कसाईए। हाँ जी, उपजह अग्नि वध है बधेरे, अग उहदे चों निकल आउंदी है, फिर वह अग बहुत खतरनाक होंगी, जी चंदन चो निकलती, हों ठंडा
पर जे चंदन की लकड़ी नूं कसाईए कसा कसा के उस अग निकल आउंदी। असी इस टाइम तां चंदन तां ठंडे बैठे हैं, पर जे तू किसानों ना हटिया तो फिर चंडी प्रगट होएगी, फिर तू सड़ जाएगा। हाँ जी, दारन केहर को किम छेरा, तू बब्बर शेर नूं सुते पे नूं क्यों जगाना। हाँ जी, हतन हार गजराज बडेरा, हाँ तेनू पता नहीं बब्बर शेर हाथियों नूं भी खा जांदा, ते तेरे वर्गे हाथी ते बड़े असी चब गए, तू तो है ही हाथी नहीं साढ़े वास्ते, तो झोटा भी नहीं तू, असी तो वो जो हाथी ले फिर शाहजहान मारे वो इशारा कर रहे, कहते उन्होंने भी असी पटका सकते हाँ, तू क्यों इस चक्कर च फिरदा है। क्या तू अह को रंग मनिंद, तू तो हिरण भी नहीं साढ़े सामने, शेर के सामने हिरण जिनी भी औकात नहीं तेरी। हाँ जी, गर्जन सुनत पलाव है बृंद, जो शेर गरजेगा ना तो हिरण दौड़ जाते हैं। हाँ जी, ग्रह गर्त क्यों जान अगारी, क्यों सामने टोआ वे के डिगदा टोए विच, जहते कोई ना सके उक उबारी, इस टोए च तेनू कोई कढ़ नहीं सकेगा, कोई बचा नहीं सकेगा, भगवान दास चला जा। अवनी परी रह सब इहां, ये धरती इत्थे पई रहनी है, तू खोजो पी पाए ना कहां, तू लभ्या भी नहीं लभना, जिसको बल रख है मत मंदे, और जेदा तू मूर्ख अहंकार करदा शाहजहां दा, सो इस थल ते दूर बिलंदे, बड़ी दूर है, पता नहीं दिल्ली है कि वह पता नहीं लाहौर है, वह तो परसों आएगा चौथे आएगा, इतने तो मिनट दो लगने तेरा काम हो जाना। हाँ जी, जेकर सो भी आन बचावे, जे वो आ भी जावे तेनू बचाण वास्ते, दोहे संग हम तिसको कहावे, उन्हें भी नाल ही झटक देंगे, आखो सतनाम से तू ते वो तेनू ते की बचाएगा, वो अपना आप भी बचा ले, इन्नी भी बड़ी नियामत वाली गल है। हाँ जी, कित भूलियो बोलत कूड़ियारे, मूर्खा केड़े भुलेखे च बोलदा है तू, गमन हो कर लिहो प्राण उबारे, जा अपने घर जा अपनी जान बचा लै, इम सतगुरु समझावत सियाने, इस तरह मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह सियाणियां तरह समझा रहे, सियाणियां तरह। हाँ जी, क्षमा धरी होए ना कि महाने, माफ कर रहे भी ना मारे जी साडे कोलों, ये एवें ही मरिया सप गल च क्यों पाइए, महाराज कहते उन्हें चपेट ना मर जाना सी उन्हें, क्योंकि वो सठ सठा सत्तर साल का होया पाया, गोगड़ जी छड़ी सी ते पिंड पिंडा सारा होर तरह का ही बेथवा जहा, सिर ते कुले वाली पग बन्नी हुई, वो जिवें लाले जे हुंदे आ, धोती जी ढिलड़ जी बन्नी हुई, तो वो महाराज कहते एवें बिना मतलब तेन मारी की लैना, समझाते से भी ना मरे साढ़े को, तो मूर्ख की मृत निराई, पर कहंदे मूर्ख की मौत नेड़े आई हुई सी, नह समझियो मत दैव भुलाई, कहंदे परमात्मा ने बुद्धि भ्रष्ट कर दित्ती, समझया नहीं, बोलनो हटिया ही नहीं, महाराज सारा कुछ सह गए, पर जदों भगवान दास ने कहा कि तेरे प्यो नू भी ते तत्तियां तवियां ते बहा के असी मारिया सीगा, असी उन्नू तत्ते रेते नाल साड़िया सीगा, फिर महाराज सच्चे पातशाह जाहो जलाल च आ गए, ते महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने भाई विधि चंद भाई जेठे नूं इशारा कीता वी हुण नहीं जाना चाहीदा, फिर की हाल होया, किवें मारिया, किवें दरिया च रोड़िया, वो कल नूं आपां कथा सरवण करांगे समें दे लिहाज नाल।